वेलकम बैक स्टूडेंट, देखते हैं आज हम लोग का तीसरा लेक्चर अप्लाइड फिजिक्स का है ना। हम लोग देख लिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन, देखे थे पिछला क्लास में v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू यू की प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक लास्ट था हम लोग का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये तीन इक्वेशन मोशन का हम प्रूव भी कर दिए थे और इसके बारे में बता भी दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है nth सेकंड के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड है ना। क्वेश्चन अगर पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग एग्जाम में कि एनएच सेकेंड में जो है हम लोग कोई बॉडी कितना जो है डिस्टेंस तय करेगा, मतलब दूरी कितना तय करेगा एनएच सेकेंड में। कल बताए थे कि एनएच सेकेंड मतलब होता है क्या कि जो भी हम लोग यहाँ पे जैसे मान लेते हैं बी इक्वल टू यू प्लस एट या फिर एस इक्वल टू यू की प्लस हाफ एट स्क्वायर, या फिर और एक था हम लोग बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो ये डिस्टेंस निकल रहा है, यहाँ जो ये डिस्टेंस निकल रहा है एस, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकलता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस निकलता है ये एस। लेकिन हम लोग को डिस्टेंस निकालना है एनएच टाइम पर। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 10 सेकंड में हम लोग का 50 मीटर को चला होगा बॉडी पार्टिकल है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस निकलता है। लेकिन अगर बोल दिया ना कोई कि बताइए कि 6 सेकंड में आपका जो है बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग एनएच का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएनएच का, जो आज हम प्रूव करने वाले हैं यहाँ पर है ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए पहले आप बता दें क्या क्या है यहाँ पर। यू हम लोग का जान रहे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। भी क्या है हम लोग का, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, ठीक। यहां पर एन यूज करेंगे, एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड, नंबर ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड का कितना नंबर है, पहला सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, तीसरा सेकेंड है, वो लेके चलना है ना। यहां पर यूज कर रहे हैं, यहां पर एक ध्यान दीजिएगा एन सेकेंड निकलता कैसे है। मान लेते हैं ये 10 सेकंड के लिए चला है ऑब्जेक्ट, 10 सेकंड के लिए चला है हमारा है ना। तो अगर बोले कि 9वां सेकंड में निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा, 9वां सेकंड में कितना जो है ये डिस्टेंस मूव किया बॉडी कैसे निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 9 घटा देंगे तो ये हम लोग का 1 सेकंड के बीच का जो गैपिंग जो है डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा हम लोग का, कि 9 सेकंड में कितना चला है। कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल किया है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एसएन जो है, एसएन क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड। और एक ले रहे हैं जिसको हम n माइनस वन लिख रहे हैं है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड है, ये n माइनस वन सेकेंड, ठीक। आगे आगे देखते हैं, ठीक। इतना चीज जो है हम लोगों की इवेंट है ना। आगे देखते हैं, हम लोग जानते हैं क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, कल प्रूव किए थे उसको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसी पे फॉर्मूला रखे, चूंकि हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है, चूंकि हम लोग का ये डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग nth सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है हम लोग यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक। जान लीजिएगा, अगर उस इक्वेशन में, अगर उस इक्वेशन में जहां हम लोग s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर रहे हैं, वहां पर अगर हम लोग
फर्स्ट में अगर t इक्वल टू n पुट करते हैं, t इक्वल टू यहां पर n पुट कर रहे हैं, कहने का मतलब है टाइम जो है हम n सेकंड ले लिया यहां पर, है ना। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इक्वल टू um प्लस हाफ an स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन होगा। t के जगह पर हम n पुट कर दिए हैं, जो n सेकंड के लिए नंबर ऑफ सेकंड लिए थे उसके लिए ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अगर t इक्वल टू n माइनस 1 पुट करते हैं यहीं पे, अगर t इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, s इक्वल टू u इनटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इनटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक। ये sn के लिए है, ये sn माइनस 1 के लिए है, ठीक। इतना तक समझ में आया। आगे देखिए क्या करना है, आगे क्या करना है हम लोगों को, निकालना है SNS के लिए, निकालना है हम लोग क्या SNS निकालना है, NS ट्रेवल मतलब NOS, NOS सेकंड में कितना मतलब की डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कैसे निकलेगा बताया था क्या, SNS क्या होता है हम लोगों का, है ना, SN माइनस SN माइनस 1, ठीक। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोगों को एक सेकंड जैसे मान लिया कि छठा सेकंड के निकालने मतलब छह सेकंड के में वो कितना मतलब कि इस इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, छह में हम लोग पांच घटा देंगे, छह सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो पांच सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उन लोग घटा देंगे, तो हम लोग का एक सेकंड का जो हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं, एन सेकेंड जो है यहाँ पर और एन माइनस वन सेकेंड को दोनों को हम माइनस कर दिया डिस्टेंस ट्रेवल से, तो वो हम लोग का जो है ऐसे था जाएगा, ये ऐसे था जाएगा, यही निकालना है हम लोग, है ना। तो दोनों जो है इक्वेशन पे हम लोग प्रूव करेंगे, दोनों इक्वेशन पे हम लोग प्रूव कर देंगे, दोनों जो है यहाँ पर एसएन का, ये एसएन का वैल्यू प्रूव कर देंगे यहाँ से ये वाला, और एसएन माइनस वन का वैल्यू प्रूव कर देंगे यहाँ से ये वाला, है ना। देखते हैं इधर ऐसे एसएन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस U, इसको ब्रैकेट में कीजिए अलग है, U into n minus 1 plus half A into n minus 1 का होल स्क्वायर, ये चीज अब उसको ब्रेक कर देंगे हम, इसको ये कर देते हैं, अब उसको सिंपली ब्रेक कर देना है हम लोग का जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा, ऐसे है इक्वल टू UN plus half n स्क्वायर माइनस, पहले अंदर वाला पे ब्रेक करते हैं, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन, ए इंटू एन माइनस वन का वाला करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस 2an by 2, ठीक। इधर तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए ये यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल कर देगा। आगे नेक्स्ट स्टेप un plus half n square, un minus u plus half an square plus a by 2 minus an by, ठीक। इधर तक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस हो गया यहाँ पर, है ना। देखिए आगे अब जो है पूरा को ब्रेक कर दे रहे हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का यू, प्लस माइनस माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू, प्लस माइनस माइनस ए बाई टू और माइनस माइनस प्लस ए एन बाई टू। देखिए हमें कैंसिल आउट होगा, यू एन और यू एन ये कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, यू एन और यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हाफ एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत आगे यहाँ पे आ जाएगा, एस एन एच इक्वल टू यहाँ पर एस एन एच इक्वल टू क्या बच गया, यू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन बाई टू, है ना। यहाँ पे क्या कीजिए, यू यहाँ पर ए बाई टू कॉमन ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं कॉमन ए बाई टू, तो क्या बच जाएगा, ए बाई टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एन माइनस वन, ठीक। ये हम लोग का जो है ये जो है हम लोग का डिराइवेशन हो जाएगा, ये जो है एस एन एच इक्वल टू हम लोग का
फॉर्मूला आ जाएगा, SNH इक्वल टू क्या आ जाएगा, U प्लस A बाय 2, सॉरी यहां कुछ छूट रहा, 2N माइनस 1, U प्लस A बाय 2 इनटू 2N माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा SNH इक्वल टू। ठीक, इस पर अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर आगे जो कल बताया था, कल बताया था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस पर जो ही बताया है उस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले थे। चार पांच न्यूमेरिकल आज देखेंगे कैसे कैसे बनता है ना, एक एक करके बताएंगे। पहले जो कल बताया था उस पर करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे देखिए। पहला न्यूमेरिकल है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल में आपको बहुत दिक्कत आ रहा था, न्यूमेरिकल पार्ट है शुरू होता होगा फर्स्ट यूनिट के लिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है क्या, एक बॉडी जो है अस्थिर अवस्था से शुरू चालू हुआ है चलने के लिए, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब त्वरण दिया हुआ है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जो दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड। पूछता है क्या, कितना समय के बाद जो है इसका वेलोसिटी जो है 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी ट्रेवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। और पूछ रहा है क्या, उस टाइम में हम लोग का जो है कितना दूरी वो तय करेगा, है ना। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, न्यूमेरिकल बनाने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले गिवन देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग का बॉडी जो है रेस्ट से शुरू हुआ, रेस्ट से शुरू होने का मतलब है कि हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी जो है यू, इनिशियल वेलोसिटी यू 0 मीटर पर सेकंड से होगा। जब कोई भी वस्तु अस्थिर अवस्था से शुरू होगा, कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु यहाँ शुरू होगा और इधर की ओर जाएगा तो इस टाइम के लिए हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर का वेग जो है प्रारंभिक वेग हम लोग का 0 ही रहता है, है ना। वेलोसिटी मान के चलते कुछ भी होगा भी फाइनल वेलोसिटी वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो हम लोग शुरू किया है यहाँ पर हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर कर दिए 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब भी क्वेश्चन में रहे कि कोई भी वस्तु जो है रेस्ट से शुरू हुआ है तब हम लोग यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। आगे देखते हैं क्या लिया हुआ, आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम निकालो के बोल रहा है टी इक्वल टू व्हाट, इट्स वेलोसिटी विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी दिया 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। And how much distance it will be traveling during this time? The distance पूछ रहा है, s भी पूछ रहा है, s equal to what? देखिए कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम लोग का acceleration दिया हुआ है, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है, क्या t नहीं निकल जाएगा? पहला equation of motion से हम लोग का t निकल जाएगा, v equal to u plus a होता है, पहला equation of motion बताया है, उससे हम लोग का निकल जाएगा हम लोग का time, कितना समय लिया जा रहा वस्तु के द्वारा वो हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा। v कितना दिया, v दिया होगा 2.5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, u दिया हुआ है यहाँ पर 0, u 0 है यहाँ पर, प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ 2.5, और यहाँ से टाइम निकालना है, बताइए टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 बाई 2.5, कहने का मतलब है 1 सेकंड, है ना। टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का 1 सेकंड, यहाँ पर जो है हम लोग का टाइम कितना आ गया है 1 सेकंड आ गया, सॉरी 0.5 है एक्सीलरेशन, यहाँ पर 0.5 है एक्सीलरेशन, 0.5 है 0.5 बाय 2.5, यहाँ पर 1/5 आ गया आंसर, फाइव सेकेंड आ गया यहाँ पर आंसर, वो मिस्टेक से 0.5 पर 2.5 लिखा गया था, ऐसा तो टाइम ट्रेवल निकल गया है, टाइम कितना निकला होगा 5 सेकंड, टाइम हम लोग का निकल गया है कितना 5 सेकंड। अब बच गया और क्या बोलता है लास्ट में, इसी अगला सेक्शन में यही क्वेश्चन बोलता है क्या कि इसी समय में जो है वस्तु हम लोग का कितना दूरी जो है चलेगा, मतलब कि डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, तो ये भी देखते हैं कि एस कैसे निकलेगा यहाँ पर।
s कैसे निकलेगा, तो s निकालने के लिए जो है, s निकालने के लिए जो है हम लोग के पास दो फार्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर भी होता है और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी होता है। ठीक, ये दोनों फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सब चीज मालूम है आपको, इसमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है, s s निकालना ही है, यहां से भी s निकालना है, u मालूम है, t निकल गया, a मालूम है, t मालूम है। ठीक, हम दूसरा इक्वेशन और मोशन यूज करके यहां पर निकाल रहे हैं, s = ut + 1/2 a² यूज करके, s = u यहां पर जीरो है तो ये पूरा जीरो, 1/2 a² करने का मतलब 1/2 t दिया हुआ, एक्सेलरेशन 0.5 * t आ गया हमारा समय कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 2 सेकंड्स नोट कर दीजिए, जब 25 12.5 / 2। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा होगा 6 × 12 6.25 आएगा मीटर, है ना, डिस्टेंस जो है हमारा आ जाएगा 6.25 मीटर, है ना। तो ये इस तरह से बना रहा है न्यूमेरिकल हम लोग का, ये पहला न्यूमेरिकल था, है ना, पहले देख लेना कि गिवन में क्या-क्या दिया हुआ और उस हिसाब से क्या फार्मूला लगाना है वहां पर, हम लोग उसके जरिए हम लोग जो है हम लोग सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। जैसे यहां पर पहले पूछा था क्या कि टाइम निकालने के लिए, अगर मान लीजिए टाइम निकालने के लिए बोला है, अब कोई बच्चा पूछता है कि आप v² = v² + 2s नहीं लगा सकते सर, तो कैसे लगाइएगा, यहां पर हम लोग का जो है डिस्टेंस मालूम नहीं है और चूंकि टाइम निकालना है तो टाइम का रिलेशन ही नहीं बनता, तो इसके तीसरा इक्वेशन नहीं लगा सकते। अगर बोलेगा कोई दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन कैसे लगेगा, दूसरा इक्वेशन कैसे लगेगा, पहले डिस्टेंस निकालना ना पड़ेगा इसके लिए, तभी ना दूसरा इक्वेशन लगेगा यहां पे, इसलिए ये भी नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग यहां पर पहला इक्वेशन लगाते हैं v = u + at। ठीक, अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहां पर हम लोग का न्यूमेरिकल का, बोल के आया क्वेश्चन में, स्कूटर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, बोला को एक स्कूटर है जिसका जो हम लोग का प्रारंभिक वेग क्या है 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड, और क्या बोल रहा है इन एक्सीडेंट फॉर 12 सेकंड, 12 सेकंड के लिए एक्सीडेंट करता है एट द रेट ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहने का मतलब है 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सीडेंट कर रहा है, त्वरित हो रहा है, 12 सेकंड के लिए टाइम दिया 12 सेकंड, तो इसमें निकालने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग निकालने के लिए बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, डिस्टेंस जो है पूछा निकालने के लिए कि वो उस टाइम उस वेलोसिटी पे हमारा डिस्टेंस जो है कितना ट्रेवल करेगा। देखते हैं पहले लिख लेते हैं गिवन क्या-क्या दिया हुआ है, पहले क्या-क्या दिया हुआ है यहां पर देख लेते हैं, बोला इनिशियल वेलोसिटी यहां पे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी किसे डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड यू दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बोला इट एक्सीलरेट फॉर 12 सेकंड, 12 सेकंड तक वो एक्सीलरेट करता, मतलब टाइम दिया हुआ 12 सेकंड, 12 सेकंड एट द रेट ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन दिया 0.25 मीटर पर सेकंड, निकालने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालने के लिए बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, डिस्टेंस बोल रहा है इस टाइम पे कितना ट्रेवल किया वो निकालना बोल रहा है। ठीक, बहुत सारा बच्चा कंप्लेन क्या है कि सर हम लोग गिवन नहीं पता लगता है कि u कौन सा है, t कौन सा है, a कौन सा है ना, तो उसका यूनिट से भी पकड़ सकते हो क्या क्या है, पहले क्या बोल रहा है 4 मीटर पर सेकंड, है ना, तो मीटर पर सेकंड हम लोग का वेलोसिटी का ही होता है यूनिट, है ना, और 24 में इनिशियल लगा दिया मतलब प्रारंभिक, तो u वो u ही होगा, फाइनल नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा बात यहां पर बोल रहा है इट एक्सीलरेट फॉर 12 सेकंड, सेकंड तो यूनिट एक ही चीज का होता है टाइम का, तो हम टाइम यहां पर लिखते हैं टाइम पर 12 सेकंड, अब एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हम लोग का यहां पर एक्सीलरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं निकालने, यहाँ पर बोल रहा है v और s दिया हुआ है, u t और s दिया हुआ है, तो देखिए एक बार बताइए यहाँ पर जो तीन इक्वेशन है v = u + at s = ut + 1/2 a² और तीसरा नाम होगा v² = u² + 2s, है ना, ये तीन फॉर्मूला जो करवाए थे लेक्चर 2 में, हम देखिए यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला पुट करके हम टाइम निकाल सकते हैं, नहीं, चूंकि यहाँ पर टाइम का हम लोग का फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पर टाइम का वो फंक्शन ही नहीं है, वहां पर टाइम है रिलेट ही नहीं कर पा रहा, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टाइम मौजूद है लेकिन हम लोग फर्स्ट डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी नहीं लगा, लेकिन अगर फर्स्ट इक्वेशन देखा जाए तो भी हम लोग निकालना है, यू मालूम है, ए मालूम है, टी मालूम है। ठीक, तो भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो पहला इक्वेशन लगा रहे हैं v = u + at,
है ना, तो v कितना है, v निकालना ही है, u कितना है 4 प्लस a कितना 0.25 और टाइम कितना है 12 सेकंड है, 4 प्लस 25 इनटू 12 कितना हो जाएगा 250 और प्लस 50 250 और प्लस 50 मतलब 300 मतलब 3 हो जाएगा है ना इक्वल टू 7। तो हमको वेलोसिटी कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना आ गया फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया हम लोग का 7 मीटर पर सेकंड, हम लोग का ये अंतिम वेग आ गया यहां पर 7 मीटर पर सेकंड। अब निकालने बोलता है डिस्टेंस, डिस्टेंस यही वेलोसिटी पर कि हम लोग का कितना तय कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ρ स्क्वायर है ना, क्या इससे निकलेगा हम लोग का डिस्टेंस, u मालूम है u नहीं मालूम है, u मालूम है t मालूम है हाफ at स्क्वायर, a मालूम है t मालूम है, लेकिन जब इससे निकालिएगा क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहां पर लिख लेंगे b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि हम लोग को यही वेलोसिटी में निकालने के लिए बोला है, सेकंड नजर करके हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे यहां पर, तो भी हम लोग को पता है 7 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना हम लोग का 0.25 और इनटू s s निकालना ही है, तो 47 बराबर 4 4 16 4 4 16 प्लस 25 इनटू 5 i टू सेकंड है ना, 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा 49 माइनस 16 है ना 33 इक्वल टू 5 सेकंड है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 35 s है ना, डिस्टेंस निकालना है आपको s 33 इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 5s, तो क्या हो जाएगा यहां पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/5 और यहां पर सॉल्यूशन में 0.5 होगा 50 0.2 0.5 है ना, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा 6 35 6 35 मतलब 66 मीटर के ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस जो है होगा 66 मीटर ट्रेवल करेगा वो इस वेलोसिटी में, हम लोग वेलोसिटी किस टाइम में 7 मीटर पर सेकंड में, हम लोग का जो है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 66 मीटर जो है हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल है न्यूमेरिकल का, ये सिर्फ हम बता दे रहे हैं इसको आप लोग है ना सॉल्व करके देखिएगा कि बन पाता है कि ना, आप ये क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, क्या बोल रहा है स्कूटर स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, बोल रहा है कि स्कूटर जो है प्रारंभिक वेग जिसका दिया हुआ 12 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है हम लोग का यहाँ पर जो है स्कूटर जो है चालू हुआ है, यू दिया हुआ है यहाँ पर, यू इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेट कर 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना है इसका 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेट कर रहा है त्वरित कर रहा है कितना से 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तब बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है द स्पीड ऑफ द स्कूटर अप टू 200 मीटर ऑफ ट्रेवल, अगर 200 मीटर यह स्कूटर चल जाता है तब इसका जो है स्पीड कितना होगा, मतलब भी निकालने के लिए बोल रहा है पहला में निकालने के लिए, दूसरा क्या बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट ड्यूरिंग 19 सेकंड, यहां पर 19 सेकंड वाला में एसएनएस वाला फार्मूला लगाना है, एसएनएस वाला फार्मूला जो आज हम सॉल्व प्रूफ किए हैं वो लगाना 19 सेकंड में पूछा है, क्या बताते हैं u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, इस पर जो है n के जगह पर जो है 19 सेकंड पुट कर लेना है, u मालूम ही है a मालूम ही है, तो हम लोग का जो है s 19 निकल जाएगा, ये लो बना करके देखिएगा न्यूमेरिकल है ना, अगर नहीं बनेगा तो अगला लेक्चर में इसको सॉल्व करके जाएंगे है ना, तब तक के लिए थैंक यू।